हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ओल्ड बुक अकैड। और आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में आइडेंटिफिकेशन कर लिया था, मेजरिंग कर लिया था, रिकॉर्डिंग कर लिया था और क्लासिफिकेशन कर लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफाई में आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आइडेंटिफाई में हमने बता दें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे कि वो बिजनेस से रिलेटेड हैं या पर्सनल हैं, या पर्सनल हैं। ये दो तरीके के हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते थे। जो बिजनेस से रिलेटेड होते थे वो हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग करते, मेजर करते थे। मेजरिंग में हम किस में करते थे, मेजर हम किस में करते थे, मॉनेटरी टर्म्स में करते थे। हम किस में करते थे, मनी में। मनी में हम क्या करते थे, वैल्यू करते थे, मेजर करते थे, ठीक है। उसके बाद में रिकॉर्डिंग हम क्या करते थे, रिकॉर्डिंग में हम क्या करते थे, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए, जो भी हमने ट्रांजैक्शन, जैसे क्या हुआ, गुड्स परचेज करा, ठीक है, सेल करा, ये सारे हम क्या करते थे, एक जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। क्या होता था, एक जर्नल होता था, उसमें हम क्या कर दिया करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन। अब जो हमने इसके अंदर रिकॉर्ड करे, कौन से, परचेज का करा, ठीक है, और सेल्स का करा। अब इन्हें यहां तो हमने एक ही जर्नल, मतलब एक ही उसमें हमने सारी बुक में एंट्री कर दी। अब इसे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करते थे। क्लासिफिकेशन हम क्या करते थे, परचेज एक हम क्या बना लेते थे, परचेज बुक बना लेते थे, और दूसरी हम क्या बना लेते थे, सेल्स बुक। एक परचेज बुक हो जाती थी हमारी और एक हमारी सेल्स बुक हो जाती थी, इस तरीके से। तो सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन हम सेल्स में करते थे और परचेज के सारे ट्रांजेक्शन हम परचेज बुक में किया करते थे। तो यही हमारी, अगर बात करें तो ये दोनों हमारी बुक हुआ करती थी। कौन, इन्हीं को हम क्या कहते थे, लेजर। इन्हीं को हम कहते हैं LEDGR, लेजर। इन्हीं को हम लेजर बोलते थे। तो यहाँ तक हम ये डिस्कस कर चुके थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ये आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। जो हमने, जो स्टूडेंट्स नहीं थे प्रीवियस वीडियो में, उनके लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से और कम टाइम में डिस्कस कर दिया उनके लिए। अब हम फिफ्थ पॉइंट से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, आगे हमारा जो था फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, आगे के हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। तो आगे हमारा था फिफ्थ पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट था हमारा, फिफ्थ में क्या था, समरी बनाना। फिफ्थ में हम करते थे समराइजिंग, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, हम समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग में हम क्या करते थे, यहां पे अब हमने जो क्या बनाई थी, एक तो हमने बनाई थी क्या, सेल्स बुक, ठीक है। एक बनाई थी हमने सेल्स बुक, क्लासिफिकेशन वर्क करा था हमने, तो वहां पे हमने एक सेल्स बुक बनाई थी, एक क्या बनाई थी हमने, परचेज बुक, एक हमने बनाई थी परचेज बुक। तो ये दो तरीके की हमने बुक बनाई थी, ठीक है। एक हमारी सेल्स बुक थी और एक हमारी परचेज बुक थी, जिसमें हमने क्या करा था, सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स में और परचेज के परचेज में। अब इसका हम क्या बना करेंगे, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हमारे हुए हैं उसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि समराइजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने परचेज सेल्स बुक बनाई उनका हम वहाँ पे क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो जो भी हमने
इनमें रिकॉर्डिंग कराया उनका क्या आएगा, हमारा टोटल सेल, ठीक है, टोटल परचेज, टोटल सेल एंड टोटल परचेज। मान लो हमारी परचेज थी 90,000 और ये हमारी कितनी हो गई 50,000, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल आ गया निकल के। इसे हम बोलते हैं समराइजिंग। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था समराइजिंग। उसके बाद में आ जाता है हमारा, अब यहां तक हम पहुंचे, यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, अब तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपके। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा हमारा, रिकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे गए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हमारा क्या क्या है। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन हुआ और ट्रांजैक्शन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, क्योंकि ट्रांजैक्शन जर्नल, और फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे लेजर, लेजर आ गया, लेजर के बाद हमारा आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, और उसके बाद हमारा आता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, उसके बाद हमारा आ जाता है बैलेंस शीट। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, और यहाँ से ये जो हमारे ट्रांजैक्शन से लेके, ये आपकी बुक में भी दिखाया गया है मैप बना करके, ट्रांजेक्शन से लेके लेजर तक जो हमारा प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या आती है हमारी बुक्स की अगर बात करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं ना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो नंबर एक हमारा आ जाएगा कैश बुक, नंबर दो आ जाएगा हमारा परचेज बुक, परचेज बुक, नंबर तीन पे आ जाएगा हमारा सेल्स बुक, नंबर फोर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, फिर सिक्स नंबर पे आ जाता है बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक,
और नंबर सात पे आ जाएगा बिल्स, पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड लास्ट वन जर्नल, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर हमारा सेम किसकी तरह होगा, जर्नल की तरह, ये हमारा सेम जर्नल की तरह होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कितनी हो गई यहाँ पे, आठ हमारी सब्सिडरी बुक्स हो गई, इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन से लेकर लेजर तक, उसके अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें ये बुक्स हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अगर हम लेजर जर्नल मेंटेन करने तो हमें जर्नल प्रॉपर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि ये हम सारी बुक्स मेंटेन करें, ये वेरी करेगी आपकी बिजनेस पे, ठीक है। कि अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो उस हिसाब से आपको फिर हर बुक्स को और अलग अलग बनाना पड़ेगा, और छोटा बिजनेस तो आप जर्नल से भी काम चला सकते हैं और केवल कैश बुक और कुछ लेजर सेल्स और परचेज बुक बना करके, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपके ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसके आगे अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया नंबर एक, इसके बाद हमारा क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये सब मेंटेन करने के बाद फिर हमारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनती है। अब हमारा ये फिफ्थ था, सिक्स पॉइंट आएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके। सिक्स पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सिक्स पॉइंट हमारा है एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये हमारा सिक्स पॉइंट है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन करा, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन करा था। क्लासिफिकेशन में मान लो हमारा जो टोटल आया था सेल्स का, सेल्स का हमारा कितना आया था, सेल्स का मान लो हमारा कितना है, 70,000 आया था जो भी था। और परचेज की अगर हम बात करें तो परचेज का हमारा टोटल जो आया था, परचेज का टोटल जो हमारा आया था, परचेज का टोटल मान लो 90,000 था। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करते हैं। अब आ जाता है सेवन पॉइंट। सेवन पॉइंट की अगर बात करें तो सेवन पॉइंट में हमारा कम्युनिकेटिंग, COMM
कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग में हमारा क्या होता है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है, रिकॉर्डिंग की, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे यूजर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सो द रिजल्ट, सो द रिजल्ट और यूजर्स, यूजर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन्फो। तो यहाँ पे अगर हम शो करेंगे रिजल्ट को, जो हमारे इंटरनल एक्शन जो यूजर्स हैं उनको जो भी प्रॉफिट हुआ वो, तो यूजर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, यूजर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमारा सेवन प्रोसेस थे, सेवन प्रोसेस हमारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के, कि अकाउंटिंग प्रोसेस था हमारा, ठीक है। तो क्या था पहला शॉर्टकट हमारा, आइडेंटिफाई, उसके बाद में मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिटिक, एनालिसिस और एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट वन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेट करना, जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, एक प्रोसेस था ये। तो हमारी कितनी स्टेप हो गई, सेवन स्टेप हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी सेवन स्टेप्स हो गई, जिसे हम RSC SAC। तो ये हमारी सेवन स्टेप्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन है डेफिनेशन हमारी बन जाएगी यहाँ पे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्लासी फाइंग, क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग एंड क्लासीफाइंग एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग summarizing, summarizing in a, summarizing in a significant, significant
मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर एंड एंड इन टर्म इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम वैल्यूड किस में करते थे, टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद में आ जाएगा ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ये इसकी हमारी डेफिनेशन हो गई। बाकी आपकी बुक में भी दी हुई है डेफिनेशन, आप वहां से भी लिख सकते हो। तो आज हमारे हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर की थर्ड वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके ये समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट आपका रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर करके मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।